तो दोस्तों एक छोटे साइज का एक वाटर पंप या फिर हम मोटर एयर पंप भी कह सकते हैं इसको बनाने के लिए जो हमें चाहिए होगा, मतलब वो सब चीज़ें मैं आपको बाद में बता दूंगा वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिकली बता देता हूँ कि बेसिक जो हमें आज की वीडियो में जो प्रोजेक्ट हमें बनाना है वो बेसिकली है क्या, मतलब उसके बारे में आपको थोड़ा मतलब पेपर के ऊपर थोड़ा बहुत समझाना पड़ेगा मुझे। मुझे अगर पता है अगर मैंने आपको सीधा ही उस चीज़ को कैसे बनाना है वो मैंने सीधा ही शुरू कर दिया, आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। तो देखो हमें क्या है, देखो एक पंप बनाना है तो पंप में बेसिकली सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी एक मोटर की। तो हम एक डीसी मोटर ले रहे हैं, ये मान लो एक डीसी मोटर है, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। और इसके ऊपर हम एक फ़ैन लगाएंगे, फ़ैन मतलब देखो फ़ैन इस तरह का एक फ़ैन होगा यहाँ पर। और इसको हम एक किसी कंटेनर के अंदर बंद रखेंगे क्योंकि देखो पंप है वो एक तरह का, मतलब उसके अंदर क्या है पानी, पानी का मतलब वो पंप करेगा तो देखो उसको अच्छे से सील्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पानी के अंदर हम सीधा मोटर डाल देंगे और वो पानी पंप कर देगा, ऐसा नहीं काम करेगा। मतलब उसको किसी बंद कंटेनर में रखना होगा जिससे कि मोटर पानी से हमारी मोटर ख़राब ना हो। तो कुछ इस तरह का मैं यहाँ पर एक कंटेनर ले लेता हूँ, देखो कुछ इस तरह का एक मैं कंटेनर के अंदर इस मोटर को पैक कर दूंगा। देखो ये कुछ इस तरह का हमारा एक कंटेनर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो यहाँ पर हम एक पाइप लगाएंगे, पाइप मतलब कि देख सकते हो जैसा मैंने यहाँ पर जो चीज़ ड्रॉ कराऊँ ये बेसिकली एक पाइप है, ये देखो ये पाइप है दोस्तों जिसमें से हमारा पानी अंदर की तरफ जाएगा। मतलब जब फैन रोटेट होगा तो वो क्या होगा पानी को सक करेगा और वो मतलब पानी खींच लेगा अपने अंदर और फिर उसको ऊपर की तरफ छोड़ देगा पानी। देखो कुछ इस तरह से फिर हम एक ऊपर की तरफ भी एक और पाइप लगाएंगे। दोस्तों आपको लग रहा होगा वीडियो काफ़ी लंबी और काफ़ी बोरिंग, तो दोस्तों प्लीज़ मुझे पता है आपको थोड़ा लग रहा होगा वीडियो तो काफ़ी लंबी है, थोड़ा जल्दी वीडियो ख़त्म हो जाए, लेकिन दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको सच में बहुत कुछ जानने को मिलेगा और सच में आपको वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो कुछ इस तरह से हमने दो पाइप यहाँ पर लगा दी, मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है उसके लिए प्लीज़ सॉरी। तो यहाँ पर भी क्या है ना, यहाँ पर मोटर बाहर की तरफ है तो उसको भी हम कवर करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक और रखूँगा कंटेनर, एक और कंटेनर यूज़ करूँगा। देखो यहाँ पर इस तरह से एक और कंटेनर लग गया, तो ये मतलब बीच में क्या किया कट लगा देंगे इस कंटेनर के बीच में जिससे कि हम मोटर का मतलब सिर्फ फैन, हमें मोटर नहीं लगानी, मोटर के ऊपर अलग से एक कवर दे देंगे जिससे कि मोटर प्रोटेक्ट हो जाए। और यहाँ पर देखो मोटर की दो वायर होती है पॉजिटिव नेगेटिव, उनको भी हम निकाल लेंगे, ये एक वायर और ये दूसरी वायर, ठीक है। हम इन दोनों वायर्स को बाहर निकाल देंगे एक छोटे से होल में से, ठीक है। कुछ इस तरह की चीज़ आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं। तो इस चीज़ को बनाने के लिए मतलब वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ है मैंने खुद बना तो चुका हूँ, लेकिन अब वो आपको कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अब देख सकते हो तो काफ़ी सिंपल सा इसका डिज़ाइन है। और दोस्तों फ़ैन, फ़ैन की बात आ गई तो दोस्तों वो सिंपल फ़ैन का यूज़ हम नहीं करने वाले यहाँ पर, जो है हम एक स्पेशल टाइप का फ़ैन जो होता है पंप्स के अंदर, जो कि पंप जो आपने देखे होंगे कूलर के अंदर, जो आपके कूलर नहीं होता एयर कूलर उसके अंदर जो पंप यूज़ होता है उसके अंदर वाला जो फ़ैन होता है, या फिर आपको एक्वेरियम जो फिश एक्वेरियम होता है उसके अंदर जो पंप होता है वो वाला जो फ़ैन होता है हमें उसका यूज़ करना होगा। उस फ़ैन का एक स्पेशल नेम होता है, वो होता है सेंट्रीफ्यूगल इंपेलर। अब दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल इंपेलर दोस्तों ऐसा कुछ इस तरह का डिज़ाइन होता है उसका, मतलब वो नॉर्मल फ़ैन देखो, अब नॉर्मल फ़ैन की बात करते हैं तो वो कुछ इस तरह का होता है। ये देखो ड्राइंग थोड़ी मेरी ख़राब है उसके लिए सॉरी, आपको बार बार कह रहा हूँ। देखो ये फ़ैन है, जस्ट इमेजिन कर लो एक फ़ैन है, ड्राइंग पर मत जाओ आप। फ़ैन दिखा ना आपने, सीलिंग फ़ैन होगा जैसा, है ना, कुछ इस तरह का होता है सीलिंग फ़ैन, मतलब इमेजिन करो। हम इस फ़ैन को यहाँ पर मतलब कुछ ऐसा फ़ैन नहीं लगाएंगे, ये बहुत ही अलग तरह का फ़ैन होता है, मैं आपको ये भी खुद बनाकर दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कह रहा कि आपको ये फ़ैन अलग से कहीं से ख़रीदना पड़ेगा, मतलब ये मैं खुद ही बनाऊंगा। तो वो फ़ैन बेसिकली कुछ इस तरह का होता है, देखो एक इस तरह का मतलब एक राउंड बेस होता है और उसके ऊपर कुछ इस तरह की मतलब आपको मतलब कुछ ब्लेड टाइप चीज़ लगाई होती है, देखो कुछ इस तरह की, ये देखो, ये देखो कुछ ऐसा सा उसका स्ट्रक्चर होता है, देखो कुछ इस तरह का मतलब दिखता है वो। इस चीज़ को सेंट्रीफ्यूगल इंपेलर कहते हैं। तो अब ये सारा कुछ है सेंट्रीफ्यूगल इंपेलर, ये जो फ़ैन है स्पेशल पंप वाला वो भी हम बनाने वाले हैं, ये पंप भी हम बनाने वाले हैं। तो वो कैसे बनेगा वो ऐसे, इस वीडियो में जो कुछ भी दिखाया गया पूरी सेफ्टी के साथ किया गया, तो आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर करना ही है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों चलो अब हमारा जो प्रोजेक्ट है पंप उसको बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मैंने ऑलरेडी उस चीज़ को बना लिया हुआ, तो मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा। ये देख सकते हो दोस्तों आप यहाँ पर क्या, आपको एक कुछ इस तरह का एक आपको डीसी मोटर यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं आपको थोड़ा जूम करके थोड़ा फोकस करके आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर एक डीसी मोटर यूज़ किया और पीछे की तरफ देखो मैंने क्या किया है,
जैसा मैंने आपको भी दिखाया ना वीडियो की स्टार्टिंग में, हम एक कंटेनर का यूज़ करेंगे तो ठीक सब कुछ वैसे ही आप देख सकते हो। पाइप हमने इसके ऊपर लगा रखी है, देखो पाइप है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये पाइप बेसिकली क्या है, एक स्केच पेन होता है ना, जो स्केच पेन मतलब खाली स्केच पेन लिया और उसको मैंने कुछ इस तरह से काट दिया, इधर से एकदम सीधा और इधर से थोड़ा मतलब स्लांटिंग थोड़ा मतलब ऐसे काट दिया, थोड़ा टेढ़ा करके इसको काट दिया, ताकि जिससे क्या होगा, जैसे हमारा जो फैन, सॉरी फैन नहीं, सेंट्रीफ्यूगल इंपेलर जब हमारा रोटेट होगा तो वो क्या होगा, सीधा जो पानी है उसको यहाँ पर मतलब मारेगा। तो आप समझ सकते हो क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैंने जो कंटेनर के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर बिल्कुल डीसी मोटर के मतलब शेप का कट ले लिया और फिर उस डीसी मोटर को इस तरह से फिक्स कर दिया। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो ढेर सारी हॉट ग्लू यहाँ पर मैंने लगाई हुई है, देखो कितनी सारी हॉट ग्लू मैंने यहाँ पर अप्लाई किया कि मतलब चाहकर भी आप इस डीसी मोटर को मतलब खींच नहीं सकते। और दूसरा क्या है, वाटर प्रूफिंग के लिए भी ज़रूरी है, मतलब हम पानी के अंदर यूज़ करेंगे या फिर पानी के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे पंप है, पंप का काम पानी को खींचना ही है, तो उससे हमारी मोटर को कम से कम नुकसान हो, नुकसान होगा लेकिन कम से कम हो, या फिर हमारी मोटर ज़्यादा हीट ना हो अगर पानी जाए तो। वैसे तो सिंपल डीसी मोटर है, जो डीसी मोटर है दोस्तों मैंने ऑफलाइन मार्केट से खरीदी है, आपको भी किसी ऑफलाइन मार्केट से मिल सकते हैं, आपको ऑनलाइन ढूंढने की ज़रूरत नहीं। अगर फिर भी आप लेना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। ये मुझे 25 रुपीज़ की एक पड़ी है, जी हाँ दोस्तों 25 रुपये की ये डीसी मोटर है। और जो आप कंटेनर देख रहे हो ये मुझे 15 रुपये का एक मिला है, इसके साथ एक लिड भी है इसका, यानी कि ढक्कन हम कह सकते हैं, वो भी 15 रुपये का एक मिला मुझे। वो ऑफलाइन मार्केट से आप खरीद सकते हो किसी पैकेजिंग वगैरह का, जहाँ पर सामान मिलता है, पैकेजिंग मटेरियल जहाँ पर मिलते हैं वहाँ से आप खरीद सकते हो। और यहाँ पर वायर मैंने यूज़ किया, वायर दोस्तों यहाँ पर मैंने डबल इंसुलेटेड वायर यूज़ किया, डबल इंसुलेटेड बेसिकली कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर आप देख सकते हो एक नेगेटिव वायर और एक पॉजिटिव वायर है, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कोटिंग और है ब्लैक कलर की, मतलब एक ब्लैक कलर की और इसके ऊपर कोटिंग हुई हुई है। तो ये वाली वायर मैंने इस यूज़ में ली है ताकि दिखने में कुछ अच्छा लगे। अब दोस्तों ये तो मैंने बना लिया पंप हमारा, अब बात करते हैं इसके फ़ैन की, जो कि मैंने आपको बताया ना सेंट्रीफ्यूगल इंपेलर, वो कैसे बनाना है वो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो, उसके बिना पंप नहीं बना सकते, तो वो देखो कैसे बनाना है। ये रहा वो चीज़ जिसके बारे में आपको भी दिखाया ना, वो ड्रॉ करके कैसे हमें बनाना है, तो ये वही चीज़ है दोस्तों। मैं सिंपली क्या किया, देखो जो आप चीज़ देख रहे हो ये बेसिकली पुली है, एक पुली मतलब मोटर के ऊपर एक अटैचमेंट लगता होता है, ये वो चीज़ है। हम इसको मोटर के ऊपर कुछ इस तरह से लगा सकते हैं, देखो इस तरह से लग जाएगा। यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर मैंने सिंपली क्या किया, एक बॉटल कैप लिया, जो आप ब्लू कलर देख रहे हो ब्लू कलर का एक बॉटल कैप लिया, उसको कट कर दिया, मतलब ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो हमने निकाल लिया, और उसके ऊपर मैंने ये देखो आप जो ये देख रहे हो ना, ये वाइट वाइट ये जो ब्लेड्स हैं, मतलब फिन हम कह सकते हैं फैन के, तो ये जो मैंने ये भी मतलब बॉटल कैप को इस तरह से काट के, मतलब बॉटल कैप को मैंने कट करके इस तरह से मतलब इस तरह से पैटर्न में मतलब फेविकोल की मदद से इसको बहुत मजबूती से जोड़ दिया। तो और यहाँ पर मैंने पुली इसलिए लगाया क्योंकि हमें बीच में इसमें क्या आया था, इसके अंदर बीच में एक होल करना पड़ता, तो होल हम कर नहीं सकते थे क्योंकि उससे शायद ख़राब हो सकता, यहाँ पर टूट भी सकता था हमारा जो ये सेंट्रीफ्यूगल इंपेलर है। और दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल इंपेलर कुछ इस तरह का दिखता है, देखो इसमें रियल इतना मतलब वो छोटा लग रहा है काफ़ी, मतलब ये आपको मैं स्क्रीन पर आपको दिख रही होंगी कुछ इमेजेस, वो मतलब रियल सेंट्रीफ्यूगल इंपेलर है जो कि असली पंप में यूज़ किया जाता है, वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, कुछ इस तरह से यहाँ पर फिक्स कर देंगे, देखो ये बड़ी आसानी से हम इसको मोटर के अंदर लगा देंगे, देखो इस तरह से मोटर के अंदर ये लग जाता है, ये देखो अब ये जो है हमारा मोटर के अंदर बिल्कुल परफेक्टली फिक्स हो चुका है, देख सकते हो दोस्तों हमारा जो फैन था सेंट्रीफ्यूगल इंपेलर फैन जो कि पंप में यूज़ किया जाता है वो हमारा फिक्स हो चुका है। तो दोस्तों अब मैं आपको इसे चलाकर दिखाता हूँ, तो चलाने के लिए मैं सिंपली बैटरी का यूज़ नहीं करूँगा, बैटरी एलिमिनेटर का यूज़ करूँगा। दोस्तों आप सोच रहे हो कि बैटरी एलिमिनेटर क्या है, दोस्तों मैंने पिछली वीडियो आपने शायद नहीं देखी होगी लेकिन पिछली वीडियो मैंने इसे बनाकर दिखाया था, प्लीज़ आप उस वीडियो को भी अभी जाओ देख सकते हो। ये एक ऐसी बैटरी है जिससे कि आप 3 वोल्ट भी ले सकते हो, 9 वोल्ट भी ले सकते हो, 6 वोल्ट भी ले सकते हो, 9 वोल्ट भी ले सकते हो और 12 वोल्ट भी ले सकते हो, मतलब एक ही बैटरी आपको 4 डिफरेंट वोल्टेजेस दे सकती है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना, इसको मैंने खुद ही घर पर बनाया। तो चलो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो यहाँ पर मैंने जो हमारा बन चुका है ये मोटर पंप बेसिकली। अब मैं इसके जो दोनों वायर्स है देखो, ये कॉमन वायर है ना, ये मतलब नेगेटिव वायर, हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं, और अगर हमें 3 वोल्ट चाहिए तो हम इसको 3 वोल्ट पे लगाएंगे। देखो 3 वोल्ट पे देखना ये फैन रोटेट करेगा कितना, आप देखना हमारी मोटर जो काम करेगी, ये देखो अब मैं इसको 6 वोल्ट पर लगाऊंगा दोस्तों, ये देखो मैं इसको थोड़ा आगे कर लेता हूँ जिससे कि आप देख सको, मैं इसको 6 वोल्ट पर लगाऊंगा, ये देखो
आप इसकी आवाज़ भी क्लियरली सुन सकते हो। अब 9 वोल्ट पर लगा देता हूँ उसको, और 12 वोल्ट पर लगेगा। जैसे तो कुछ इस तरह से जो है हमारा ये फैन रोटेट करता है। तो अब हम इसके ऊपर एक और कवर लगाएंगे, क्योंकि देखो हम मैंने आपको अभी दिखाया ड्रॉ करके कि हमें एक और पाइप की जरूरत पड़ेगी कुछ इस तरह की, जो कि पानी को खींचेगी अपने अंदर। तो उसका मैंने एक और लीड लिया इसके साथ, कई जो कंटेनर का लीड है सिंपली मैंने इसके ऊपर भी कुछ इस तरह का एक स्केच पेन वो रिफल को मतलब कट किया और कुछ इस तरह से फिक्स कर दिया, ढेर सारी हॉट ग्लू से जाके पानी लीक ना हो। तो इस तरह से हम इसको बंद कर देते हैं कुछ इस तरह से। देखो हमारा पंप बिल्कुल रेडी है, बस हमें इसके ऊपर एक और प्रोटेक्शन कवर देना पड़ेगा, जैसे मैं आपको अभी वीडियो की स्टार्टिंग में वो ड्रॉ करके दिखाया। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा कुछ इस तरह की एक और कंटेनर का। देख सकते हो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक होल किया हुआ है, जैसा मैं आपको दिखाया था। इस होल से हम क्या करेंगे, मतलब इस वायर को निकाल देंगे। तो कैसे, देखो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो आप होल देख रहे हो, इस होल में से काफ़ी सिंपल है दोस्तों, इसको बनाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। अब बस ध्यान से देखना इस चीज़ को किस तरह से मैंने इसको बनाया, आप समझ सकते हो मैंने किस तरह से बनाया होगा। और हम अब क्या करेंगे, इस वायर को जो आप देख रहे हो, हम इस वायर को कुछ इस तरह से राउंड राउंड ट्विस्ट करेंगे, यानी कि थोड़ा घुमा देंगे, जिससे कि इतने पतले से होल में, और होल को पतला रखना ज़रूरी है दोस्तों। हम मतलब ज़्यादा मतलब सॉरी इस तरह से आएगा ना, तो मतलब होल को छोटा रखना ज़रूरी है, जिससे कि मतलब पानी कम से कम अंदर जा सके। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हम इसमें से निकाल लेनी होगी वायर कुछ इस तरह से, देखिए कुछ इस तरह से हम इसको कर लेंगे और फिर हमें इसे बंद कर देंगे। और बंद करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर मैं फेविक्विक का यूज़ करूँगा, हॉट ग्लू का यूज़ नहीं करा, क्योंकि दोस्तों ये जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक थोड़ा स्लिपरी थोड़ा स्मूथ सर्फेस होता है, और हॉट ग्लू कभी भी स्मूथ सर्फेस इस पर यूज़ नहीं किया जाता। हॉट ग्लू का यूज़ हमेशा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं हमेशा हॉट ग्लू का यूज़ कार्डबोर्ड में ही, मतलब कार्डबोर्ड के पीसीस को आपस में चिपकाने के लिए ही यूज़ करता हूँ। प्लास्टिक में मैं हॉट ग्लू का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करता, मैं फेविक्विक का ही यूज़ करता हूँ। तो चलो मैं इसको फेविक्विक से सील कर देता हूँ, मैं आपको नहीं दिखाना चाहता ये सब चीज़ें, क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने थोड़ी सी फेविक्विक लगा दी, अब ये थोड़ा सूखने के लिए इसको वेट करते हैं। तो मैं यहाँ पर फेविक्विक लगा चुका हूँ, फेविक्विक आपको पता है कुछ ही टाइम में सूख जाती है। तो जब तक ये सूखता है उतनी देर में आपसे थोड़ी बातें करना चाहता हूँ। तो ये देखो अभी निकल रहा है, ये थोड़ी और फेविक्विक लगानी पड़ेगी लगता है हमें, इसको थोड़ा इस तरह से पकड़ना होगा। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बता देना कि आपको ये जो पंप है, जो मतलब ये प्रोजेक्ट है जिस तरह से मैं इसे बना रहा हूँ, वो आपको कैसा लगा। यानी कि देखो यार वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर बहुत मिल जाएंगी, आप सिंपली यूट्यूब पर सर्च कर दो DIY DC मोटर एयर पंप या फिर DC वाटर पंप, आपको हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएंगी जिसमें मतलब मोटर पंप बनाना दिखाया गया DC मोटर से। मतलब सबका अपना अलग अलग डिज़ाइन है, कोई किस तरह से बना रहा है, कोई किस तरह से बना रहा है। तो मतलब आप देखो, मैंने भी सोचा यार कि चलो मैं भी बना दूँ, मैं किसी की कॉपी क्यों करूँ, मैंने भी सोचा चलो मैं भी थोड़ा अपनी क्रिएटिविटी दिखाऊं और थोड़ा इसको यूनिक तरीके से बनाने की सोचूं। तो मैंने ये आइडिया निकाला कि कंटेनर्स यूज़ कर लेते हैं, और ये दिखने में कुछ काफ़ी हद तक जो कूलर के अंदर हम एयर कूलर के अंदर जो हम पंप नहीं यूज़ करते, काफ़ी हद तक उसकी तरह लग रहा है। तो मतलब मैंने काफ़ी इसको अच्छे से मतलब डिज़ाइन किया और सोचा कि थोड़ा यूनिक लगे ये, बाकियों किससे अलग लगे। तो प्लीज़ नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा, मतलब बाकियों से आपको यूनिक लगा या नहीं लगा। तो प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बता देना। बस यहाँ पर फेविक्विक लगा रहे हैं हम ढेर सारी, बहुत फेविक्विक लगानी पड़ेगी आज हमें यहाँ पर। मैं अगर हो सका तो शायद मैं यहाँ पर हॉट ग्लू का यूज़ भी कर दूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी अच्छे से सील नहीं हुआ, इसलिए मैं हॉट ग्लू का यूज़ शायद करूँगा, लेकिन पहले फेविक्विक लगाऊँगा, सीधा हॉट ग्लू नहीं लगाऊँगा। क्योंकि उससे क्या है, उससे मतलब स्लिपरी होता है सरफेस, तो वो ज़्यादा ईजिली मतलब सेट नहीं होगा, तो काफ़ी ईजिली रिमूव हो सकता है फेविक्विक, इसलिए मैंने फेविक्विक लगाया। अभी इसको सूखने देते हैं। सबको लग रहा होगा वीडियो काफ़ी लंबी है, प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, सच में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। वीडियो जो आपने स्टार्टिंग में देखा ना वीडियो की, सिर्फ आपको वही चीज़ देखने को मिलेगी, मतलब आपने थंबनेल में देखा सब कुछ आपको देखने को मिला। प्लीज़ यार इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो। इसको सूखने के लिए थोड़ा रख देते हैं, मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ इसको सूखने की, फिर हम आगे का काम शुरू करेंगे। इसके नीचे हम एक और बेस भी बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों देखो अब समझने की कोशिश करो, देखो ये हमने सिलेंड्रिकल शेप में बनाया है ना, अब सिलेंड्रिकल शेप है, जैसे ये पेन है मेरे पास, ये भी सिलेंड्रिकल शेप है, अगर मैंने इसको ऐसे रख दिया, देखो ये इस तरह से रोल होता रहेगा, देखो ये रोल करता है ना एक बारी में। लेकिन अगर कोई मतलब कोई क्यूबिक शेप हो या फिर क्यूबॉइड जैसी शेप हो, तो वो इस तरह से रोल नहीं करती है ना।
तो मतलब अगर मैं इसको इस शेप में बनाऊंगा, मैं अपना जो पंप है अगर मैं इसको इस शेप में बनाऊँ तो वो रोल नहीं करेगा, लेकिन इस शेप में तुम्हारा पंप है ही नहीं, तो इसके लिए मैं नीचे एक सपोर्ट लगाऊँ, क्योंकि देखो हमें पंप करना है पानी, तो मतलब इस तरह से ना देखो इस तरह से ये घूमता रहेगा तो ठीक नहीं लगेगा, मोटर भी चलेगी, तो हम इसे इसकी तरफ थोड़ा एक बेस लगाएंगे। बेस के लिए मैं इसकी एक दूसरी लिड का यूज़ करूँगा, मतलब जो ये वाला कंटेनर था इसकी लिड का मैं यूज़ करूँगा कुछ इस तरह से इसको लगाने की, मैं सोच रहा हूँ शायद इस तरह से लग सकता है ये या फिर नहीं, शायद इस तरह से लग जाएगा, तो इसको मैं लगाने की सोच रहा हूँ, तो इसको लगा दूंगा, फिर हम इसको टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करने के लिए दोस्तों मैं जब तक ये सूख रहा है ना मैं तब तक आपसे बातें करूँ, आप ये मत सोचना कि मैं आपका टाइम वेस्ट करूँ, मैं इसको सूखने के लिए वेट करूँ, देखो मैंने इसको बिल्कुल पीछे रख दिया। दोस्तों हमें क्या है इसके साथ एक और चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कुछ इस तरह की पाइप। दोस्तों अब ये जो पाइप देख रहे हो थोड़ी स्पेशल टाइप की पाइप है, ये कोई वो वाली पाइप नहीं है जो मतलब गार्डनिंग में यूज़ की जाती है, मतलब ये वो वाली पाइप नहीं है जिससे आप अपना मतलब जो आपके घर में पाइप होगी ना पानी वाली पाइप, वो वाली पाइप नहीं है, थोड़ी पतले साइज़ की पाइप है, देखो इसका डायमीटर बहुत कम है, देखो ये वाली पाइप दोस्तों आपको मैंने ऑफलाइन मार्केट से खरीदी है, किसी हार्डवेयर स्टोर या फिर किसी प्लम्बिंग स्टोर से आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे प्लम्बिंग का सामान जहाँ पर मिलता है वहाँ से आप इस पाइप को खरीद सकते हो। ये वाली जो पाइप देख रहे हो मुझे इतनी वाली जो आप ये पाइप देख रहे हो ना इतनी लंबी पाइप मुझे 25 रुपये यानी 25 रुपीज़ की मुझे मिली, तो ये आप खरीद सकते हो ऑफलाइन मार्केट से, ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हो लेकिन ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ सकती है। तो हमें इस पाइप की क्यों जरूरत है, हमें क्या करना होगा, इस पाइप को इस तरह से यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और एक इस तरफ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया थोड़ी बहुत पाइप मैंने इसमें से कट कर ली, तो कट किस तरह से की देखो, थोड़ी पाइप हमें चाहिए, अपनी इतनी लंबी पाइप की जरूरत नहीं है, तो मैंने छोटी पाइप्स ली, देखो दो मेरे पास में यहाँ पर छोटी पाइप है, और दोस्तों यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत इसको गर्म करके ताकि थोड़ा इसका जो होल है वो थोड़ा बड़ा हो जाए, क्योंकि थोड़ा छोटा था और इसके अंदर फिट नहीं बैठ रहा था, देखो नहीं है ना, तो ये वाला मैंने इसलिए गर्म करके इसको इसके साइज़ जितना मतलब कर दिया, देखो अब ये इजीली इसके अंदर फिट आ जाता है, देखो और इस पाइप की आपको जरूरत पड़ेगी अगर आप पंप बना रहे हो तो, इस तरह से भी काम कर सकता है हमारा पंप देखो इस तरह से, लेकिन इसके लिए कि आपको पानी के अंदर अपना पंप रखना होगा, और जो बाहर वाली पाइप है मतलब वो काफ़ी छोटी है, या फिर आप पाइप ही इतनी लंबी मतलब अटैच करके बना सकते हो कि आपको अलग से कोई पाइप लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो आपकी मर्ज़ी है। और चलो मुझे लगता है शायद ये सूख चुका है, अब चलो मैं इसके नीचे ये बेस भी अटैच कर देता हूँ, उसके लिए मैं हॉट ग्लू का यूज़ करूँगा, तो चलो पहले मैं इसको अटैच कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर हमारा पंप बन चुका है, और दोस्तों सच में कह रहा हूँ यार, मतलब मैंने अभी एक इतनी अजीब चीज़ मैंने एक मतलब एक डिस्कवर की, यानी कि बहुत अजीब चीज़ मैंने नोटिस की कि ये जो पंप हमारा जो पंप था वो तो बन चुका है, बिल्कुल बन चुका है अभी, जो हमारा पंप है वो बिल्कुल बनकर तैयार है, लेकिन आप सोच रहे हो कि हम मिट्टी को रखे इतनी सारी, वो भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक बात करता हूँ मैं आपसे, देखो दोस्तों हमें क्या करना होगा, पंप है देखो मैंने यहाँ पर बेस लगा दी, हम इसको रख देंगे यहाँ पर, हमारी एक पाइप कनेक्ट हो जाएगी और दूसरी पाइप हमारी यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। आप चाहो तो इस पंप को 12 वोल्ट की बैटरी से भी चला सकते हो, ठीक है, ये 12 वोल्ट की बैटरी मैं आपको इसे रन करके दिखाता हूँ, ये देखो अब आवाज़ से आपको पता चल जाएगा, वैसे ये देखो मैं इसको लगा देता हूँ इसके साथ, ये देखो एक मिनट देख सकते हो, जैसे डबल इंसुलेटेड वायर मैंने यूज़ किया, जब देख रहे हो ना ब्लैक है उसके अंदर, मतलब ये अलग से पॉजिटिव और नेगेटिव वायर है, थोड़ा मतलब अच्छा लुक देने के लिए मैंने डबल इंसुलेटेड का यूज़ किया, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डबल इंसुलेटेड वायर का ही यूज़ करो। आप देख सकते हो दोस्तों इसकी आवाज़ कितनी लाउड है, और दोस्तों इसका जो ये पाइप है इसमें से इतनी अच्छी हवा आ रही है कि पूछो ही मत, तो कुछ इस तरह से होता है। आप इसको 9 वोल्ट बैटरी से भी चला सकते हो, देखो यहाँ पर मेरे पास में 9 वोल्ट की बैटरी है, मैं इससे आपको चला कर दिखाता हूँ, ये देखो मैं इसको 9 वोल्ट से भी चला के दिखा देता हूँ आपको, वरना कहीं आप ये मत कहो कि फेक है, आवाज़ सुन सकते हो शायद आप आई गेस, और मतलब 9 वोल्ट से अगर आप चलाओगे तो थोड़ी पावर जो है इसकी कम मिलेगी, 12 वोल्ट से चलाओगे तो पावर ज़्यादा मिलेगी, मतलब डिपेंड करता है आप कितनी वोल्टेज पर चला रहे हो, और हाँ इस बात पर भी डिपेंड करता है आपकी मोटर कितनी पावरफुल है, अगर आप ज़्यादा बड़ी मोटर यूज़ करते हो, ये तो मतलब एक बहुत छोटी और बेसिक मोटर है,
अगर आप बड़ी मोटर यूज़ करते हो कुछ इस तरह की 775 मोटर हम जिसे कहते हैं, अगर आप इसकी इस तरह की मोटर का यूज़ करते हो जिसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये थोड़ी एक्सपेंसिव भी आती है, इस मोटर का आप यूज़ करके पंप बनाओगे फिर तो यार इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी, आपका जो पानी का प्रेशर इतना पावरफुल होगा कि बस पूछो ही मत। आप चाहो तो यार इसको चलाने को आप इस छोटे से सेल से भी चला सकते हो, कोई मतलब खास बात नहीं है कि आप 12 वोल्ट से ही चलाओ, ये देखो चलने को इससे भी चल जाता है, देखो ऐसी बात नहीं है कि आप सिर्फ इसी से ही चला सकते हो 12 वोल्ट की या फिर 9 वोल्ट की बैटरी से, देखो चलेगा ये ज़रूर, मुझे पूरा भरोसा है। अगर नहीं चला तो एक मिनट, वायर थोड़ी छोटी है ज़रूर पड़ रही है मुझे, और ये चल गया देखो, आवाज़ थोड़ी कम है इसकी लेकिन ये काम कर रहा है। अब मैंने क्या चीज़ डिस्कवर किया वो भी आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि प्लीज़ यार इस जो मैंने बैटरी एलिमिनेटर बनाया इसकी वीडियो भी आप ज़रूर देखना, ये भी सच में मैंने खुद ही बनाया, और आप प्लीज़ यार आपको अगर ये वीडियो देखोगे तो प्लीज़ मतलब एक इस वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलो मैं यहाँ पर आपको टेस्ट करने के लिए यहाँ पर कॉमन पर एक क्लिप लगा रही, यहाँ क्लिप कनेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर एक कॉमन पर लग गया, और मैं इसको पहले को सीधा डायरेक्ट 12 वोल्ट पर ही चलाता हूँ, मैं 9 वोल्ट 3 वोल्ट या फिर 6 वोल्ट पर ही सीधा 12 वोल्ट पर मैं इसको लगा देता हूँ। और अब मुझे सिंपली क्या करना है दोस्तों, ये लग गया यहाँ पर, अभी आप क्लिप देख रहे हो, मैं इसको पहले नेगेटिव को जो हमारा पंप ये पड़ा हमारा पंप, और इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ, ये इसकी वायर, इसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं, नेगेटिव क्लिप को नेगेटिव वायर के साथ में, और ये लग गया। अब पॉजिटिव को भी कनेक्ट कर देते हैं, ये लग गया, लेकिन हमारा यार पंप ऑन ही नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है। अच्छा स्विच ऑफ है दोस्तों, यहाँ पर स्विच भी मैंने लगाया है दोस्तों, बैटरी एलिमिनेटर पे मैंने स्विच भी लगाया है दोस्तों, इसे हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। मान लो आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें स्विच नहीं है, तो आप बैटरी को ही डायरेक्टली स्विच ऑन हो या ऑफ कर सकते हो, बैटरीज होती है उसमें कोई स्विच तो होता नहीं, लेकिन इस बैटरी हमारी बैटरी एलिमिनेटर में स्विच है, देखो मैंने इसको ऑन ऑफ कर सकता हूँ। देखो अब क्या चीज़ थी, देखो यार ये जो चीज़ है ना, मतलब है तो पंप, लेकिन मैंने एक बहुत ही अजीब चीज़ नोटिस की कि ये जो है एक ब्लोअर, आपको पता होगा ब्लोअर क्या करता है, हवा मतलब किसी चीज़ को एक जगह पर हमें मतलब फॉर एग्जांपल कोई मिट्टी या फिर किसी चीज़ को हमें कलेक्ट करना हो एक जगह पर, तो हम ब्लोअर का यूज़ करते हैं। एक वैक्यूम क्लीनर भी होता है, वैक्यूम क्लीनर मतलब हवा मतलब खींचता है चीज़ों को, मिट्टी या फिर किसी चीज़ को, तो देखो क्या करता है ये, मैंने इसको ऑन कर दिया ठीक है, यहाँ से इतनी तेज़ हवा आ रही है इतनी मतलब पूछो ही मत, तो देखो क्या करता है ये, ब्लोअर का काम करेगा हमारा, पंप तो है ही लेकिन ये ब्लोअर भी है हमारा, देखो ये देखो मिट्टी को किस तरह से उड़ा रहा है, देखो ये देखो है ना माल की चीज़। और ये जो ये वाला एंड है ये वैक्यूम क्लीनर का काम कर रहा है, वैक्यूम क्लीनर समझ सकते हो आप, ये देखो देखो मिट्टी को किस तरह से खींच रहा है, ये देखो आप देख सकते हो तो यहाँ पर कितनी सारी मिट्टी है ठीक है, अब ये सारी मिट्टी को ये खींच लेगा देखना, देखो ये सारी मिट्टी को खींच रहा है, देखो ये देखो यहाँ पर इतनी सारी मिट्टी थी लेकिन वो सारी मिट्टी गायब होगी, और इसमें से अभी मिट्टी निकल रही है, मतलब इतनी तेज़ हवा और इतनी मिट्टी, ओ माय गॉड, एक मिनट मेरी आँख में चली गई। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ, ये देखो इसमें कितनी ज़्यादा मिट्टी इकट्ठी हो चुकी है, देखो ये देखो, मैं इसको एक बार स्टॉप स्विच ऑफ कर देता हूँ, ये देखो मतलब यार ऐसा कुछ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब ये वैक्यूम क्लीनर भी है, ब्लोअर भी है, और एक पंप भी है, मतलब तीन चीज़ें हमारी एक चीज़ में बन गई, ओह माय गॉड, मतलब ऐसा कुछ तो यार मैंने सोचा था सिर्फ हमारा एक पंप बनेगा, लेकिन ये तीनों काम कर देता है, एक ही चीज़ आपकी तीन काम कर रही है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। चलो अब इसको टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा जो पंप है, हमने दो चीज़ आपको मैंने दिखा दी कि ये ब्लोअर भी है और एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम कर लेता है, लेकिन बेसिकली हमने बनाया तो उसे पंप है, तो चलो इसको पंप की तरह इसको टेस्ट करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ी सी बाल्टी में पानी ले लेता हूँ, चलो मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि किस तरह से काम करता है। मतलब ये जो था ये वाला जो एंड है ना, ये मिट्टी को खींच रहा था मिट्टी को वैक्यूम क्लीनर की तरह, और ये वाला जो एंड था ये मिट्टी को बाहर की तरफ छोड़ रहा था, तो यानी कि पानी में भी ठीक उस तरह से काम करेगा। तो यहाँ पर हमारा बैटरी एलिमिनेटर, इसको मैं पहले ऑन कर देता हूँ जिससे कि हमारा पंप भी ऑन हो जाएगा, देखो ये ऑन हो चुका है। मैं इसको पानी, ये वाला जो एंड है ना दोस्तों, हमेशा याद रहना ये हमेशा पानी के अंदर रहेगा और ये पानी को बाहर निकालेगा, काफ़ी अच्छी हवा आ गई यार इसमें से। चलो इसको पानी में डाल देते हैं, मतलब पानी इसमें से पंप करने की कोशिश करते हैं कि क्या कर पाते हैं या फिर नहीं, और अभी तक पानी नहीं आया लेकिन मुझे उम्मीद है बहुत जल्द आएगा ज़रूर पानी। ये देखो दोस्तों पानी आ रहा है इसमें से, ये देखो आप देख सकते हो दोस्तों इसमें से पानी थोड़ा स्लो आ रहा है लेकिन आ ज़रूर रहा है, ये देखो शायद मैं इसमें कोई पाइप लगा देता हूँ, शायद इससे पानी थोड़ा तेज़ आ सकेगा,
एक बार मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, एक बारी के लिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, वहाँ से वायर भी निकल ली गई, सॉरी उसके लिए। मैं इसके साथ में पाइप भी अटैच कर देता हूँ। राइट गाइस, तो मैंने सब कुछ सेटअप लगा लिया और आप देख सकते हो ये हमारा पानी पंप कर रहा है। देखो दोस्तों, आप देख सकते हो बिल्कुल फेक वीडियो ये नहीं, मतलब फेक वीडियो ये नहीं, आप देख सकते हो हमने पंप जो था हमारा पानी के अंदर डाल दिया और अभी ये पानी पंप कर रहा है। देखो ये देखो, वह हमने हमारा पन वो आप देख सकते हो हमने इसको ऑन भी कर रखा है और ये सच में भी काम कर रहा है। ये देखो ये पानी को पंप कर पा रहा है। हम देख सकते हो दोस्तों बाल्टी के अंदर जो इसका एक एंड है, हमने इसके अंदर पानी के अंदर डाल दिया और आप देख सकते हो पानी को किस तरीके से पंप कर रहा है। ये देखो, हाँ इसका प्रेशर इतना तेज़ नहीं है लेकिन हाँ ये पानी को पंप जरूर कर रहा है। इतनी ही बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर हमने हमारा पंप बन चुका है और आप देख सकते हो पानी को किस तरह से पंप कर रहा है। इतना तेज़ प्रेशर पता नहीं कि क्यों नहीं दे पा रहा, लेकिन यस हमारा पंप काम जरूर कर रहा है गाइस। अब शायद इतना काम करना बंद कर रहा, क्योंकि शायद हो सकता है इसमें जो है मोटर काफ़ी ज़्यादा हीट होने लगी, यहाँ पर हमारी बैटरी डाउन होने लगी, लेकिन हमने देखा कि ये काम जरूर कर रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आप आगे आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। फिलहाल के दोस्तों इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।